राजू को अचानक क्या हो गया, पता नहीं शापरों के साथ खेल रहा है, उन्हें काट रहा है, खा रहा है, और इधर हमारे टॉमी मियाँ को पता नहीं भूख लगी हुई है, हमारे पीछे केज के सामने आके उनका जो है वो दाना दुनका गिरा पड़ा है, वो खाने की कोशिश कर रहा है, और ये देखिए अब उनके केज में घुस गया है, ये रैबिट्स की तकलीफ में उनका सबज चारा भी खा लेता है, और बाकी परिंदों को देख कर उनका जो दाना दुनका है मक्की वगैरह वो भी खाना शुरू कर देता है। ये देखिए हमारे टॉमी का बिहेवियर हैरान कन है, ये अजीब अजीब चीज़ें भी खा लेता है, और उधर हमारे पिजन्स को देखे इसकी आमद बिल्कुल पसंद नहीं आई, वो कोनों में सुकड़े हुए खड़े हैं, इसको घूर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि हमारे तमाम जौक शौक फ्रेंड्स कुछ बाश और खैरियत से होंगे, आप सबको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जौक शौक मिनी जू में हम दो नए पेट्स लेकर आए हैं, तो चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। हमारे डक्स को आज कीचड़ और पानी मिल गया है, तो इनके तो यहाँ मजे हो गए, कभी नहा धो के बड़ी खूबसूरत हो जाती है साफ सुथरी, और कभी फिर से अपने आप को गंदा कर लेती हैं, लेकिन यहीं से मुसलसल जो है वो चूँच मार मार के कुछ ना कुछ खाने की कोशिश कर रही हैं। और साथ हमारे ये फैंसी भी हैंस जो हैं ये भी मज़े में हैं। आजकल हमारे मिनी जू में अब काफ़ी सारी मुर्गियाँ जमा हो चुकी हैं, ये देखिए हमारे हैवी बफ्स खूबसूरत पेड़, हमारा वाइट हैवी बफ मुर्गा और गोल्डन हैवी बफ मुर्गी, और साथ हमारे वो छोटे से क्यूट से चुटकू से सिल्वर स्प्राइट, और काफ़ी सारी जो हैं वो गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ और मुर्गे जमा हो चुके हैं। ये हमारे कुछ असील चिक्स हैं, लेकिन ये भी काफ़ी छोटे हैं, और उनकी ये माँ है, ये भी मिक्स ही असील है, उतनी प्योर नहीं है, लेकिन यहाँ कमी महसूस हो रही थी हमें असील मुर्गी और मुर्गे की, जो आज हम लेकर आए हैं। ये है असीलों का कमाल, ये देखिए कितने छोटे छोटे चिक्स हैं, और कितनी ख़तरनाक और ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है इनके दरमियान। ओहो, ये देखें उल्टा हो गया, लेकिन इसने छोड़ा नहीं उसको, और वो भी जो पलट कर वार करेगा, लेकिन असल जंग जो है ये हमारे दो ब्लैक वाले चिक्स के दरमियान चल रही है, और ये जो सफेद वाला इनका भाई है ये भी अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रहा है, और ये देखिए एक भागा है, और हमारी मुर्गी जो है वो अभी तक मैदान में डटी हुई है, इसको फॉलो करेगी और कोशिश करेगी कि फिर उससे जंग हो इसकी। ये है हमारे नए असील मुर्गा और मुर्गी, ये भी पठड़े हैं, ना पूरे मैच्योर मुर्गे हैं और ना ही छोटे चिक्स हैं। ये देखें ये ब्लैक वाला मुर्गा है, और ये गदरी से कलर की जो है ये हमारी मुर्गी है, ये दोनों अलग अलग जगहों से आए हैं। ये मुर्गी जो है थोड़े छोटे कद की नस्ल में से है, और ये बड़ी ज़बरदस्त फाइटर और ढीठ किस्म के असील मुर्गों की नस्ल में से आई है, ये जो हाइट है थोड़ी कम करते हैं, और ये जो हमारा मुर्गा है ये काफ़ी लंबे लंबे मुर्गों की नस्ल में से आया है, और देखिए अभी से ही कितना कद कर चुका है। ये जो हमारी मुर्गी है ये काफ़ी घुसीली भी है, लेकिन अभी चूँकि नई नई आई है इसलिए थोड़ा सा जो है बाकियों से अवॉइड करती फिर रही होती है और साइड पे रहती है, लेकिन जैसे ही दाव लगे ये किसी न किसी को दो चार रसीद करके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। और हमारा ये मुर्गा जो है ये भी काफ़ी डरपोक साबित हो रहा है, सबसे जो डर के आगे के भागा फिर रहा होता है। ये दोनों अगरचे अलग अलग जगहों से आए हैं, लेकिन चूँकि नए और एक साथ आए हैं यहाँ पे, तो इन्होंने अपनी जो है वो जोड़ी बना ली है, और अलग अलग सबसे जो है वो दाना दुनका चुगते फिर रहे होते हैं। ये दोनों काफ़ी अच्छी और फाइटर असील नस्लों में से हैं, और काफ़ी मशहूर लोगों के पास से हम लेकर आए हैं इन्हें, इनका अब जो पेड़ भी बन चुका है, तो देखते हैं कि ये कैसा पेड़ साबित होता है और खुद ये कैसा परफॉर्म करते हैं, और इनके जो है वो आने वाले बच्चे कैसे होंगे। अभी तक तो फ़िलहाल ये डरे सहमे से हैं, लेकिन इनके जो है वो साफ बताते हैं कि ये ज़बरदस्त असील मुर्गा और मुर्गी साबित होंगे और एक अच्छा पेड़ बनेंगे। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा नया असील मुर्गा और मुर्गी कैसे लगे आपको, और ये कैसी नस्ल के साबित होने जा रहे हैं।